इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 कॉमा ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस 1 टू द होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो हमें गिवन है कि जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, सो देखो अपने पास इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इक्वल टू 0। हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है अपने पास ए प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेक करेंगे सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 प्लस 4 एंड इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 1 और ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स और माइनस 2 एक्स ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि एक तो मिलता है x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1, एक रूट उसका होगा माइनस 1। ठीक है, नाउ और x स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 7 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 28। ठीक है, एंड अपॉन 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 16 माइनस 28 होगा 12 माइनस का 12, सो माइनस के 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 आयूटा। ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा 2। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ सो हमें एक्स इक्वल टू, देखो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे से कट हो जाएगा सो वी गेट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए एक तो अपने पास x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 2 को ब्रेक कीजिए 1 प्लस 1 में, इसे हम ले सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे। ठीक है, सो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस का इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, और 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सो अपने पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा और 2 का डिवाइड कर दिया 1 बाय। इससे देखिए हमने इस 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1 में। ठीक है, और ये क्या अपने पास 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसमें से हमने माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया है एंड 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों कर दिया है, क्योंकि ये जो माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है इसे हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसका एक रूट क्या आ जाएगा अपने पास, एक आ जाएगा अपने पास 2 माइनस रूट 3 आयोटा, इसे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा। सो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे सो अपने पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक, और ये अपने पास होता है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसे हम कहते हैं ओमेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा। हमारे पास x इक्वल टू आया माइनस 1
वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर एंड वन माइनस टू ओमेगा। जो ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।